एक है उद्धव ठाकरे जो महाराष्ट्र के सीएम हैं और जिनसे न तो सत्ता संभल रही है और न कोरोना का कहर। कोरोना की दूसरी लहर से पूरा महाराष्ट्र आक्रांत है, लेकिन दूसरे हैं आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे के बेटे हैं। इन जनाब को कोरोना की दूसरी बेकाबू लहर की कोई चिंता नहीं है। ये जनाब दूसरी नहीं तीसरी लहर के आने का इंतजार कर रहे हैं। आदित्य ठाकरे का कहना है कि राज्य में जल्दी ही कोरोना वायरस की तीसरी लहर आ सकती है और यह तीसरी लहर कितनी खतरनाक होगी या फिर दूसरी लहर की तुलना में उसकी स्थिति कैसी होगी, इसका अंदाजा लगाना फिलहाल मुश्किल है। आदित्य ठाकरे का यह बयान ऐसे समय में आया है जब महाराष्ट्र पूरे देश में कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित है और संक्रमितों को न तो अस्पतालों में ठीक से बेड मिल रहा है और ना ही उनका इलाज सही तरीके से किया जा रहा है। मतलब कि दूसरी लहर में ही राज्य की अधिकांश स्वास्थ्य सुविधाएं चरमरा गई हैं। लेकिन यह सब छोड़कर आदित्य ठाकरे तीसरी लहर की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने आंकड़े देते हुए कहा कि राज्य में 5 लाख बिस्तर तैयार हैं, उनमें से लगभग 70% बिस्तर ऑक्सीजन से युक्त हैं। उन्होंने यह भी कहा कि हम जो निर्णय ले रहे हैं यह टास्क फोर्स के सुझाव पर लिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह निर्णय मेडिकल फैक्ट्स और विज्ञान पर आधारित है, न कि राजनीति पर। हालांकि ठाकरे का यह बयान विरोधाभासी नजर आता है, क्योंकि उन्हीं की सरकार के मंत्री ऑक्सीजन की कमी का रोना रो चुके हैं और केंद्र सरकार पर दोषारोपण भी कर रहे हैं। महाराष्ट्र में ऑक्सीजन की कमी के हालातों को देखते हुए उद्योगपति और रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक मुकेश अंबानी ने महाराष्ट्र की सहायता की पेशकश की है। रिलायंस की जामनगर रिफाइनरी से महाराष्ट्र को 100 टन ऑक्सीजन मुफ्त में दी जा रही है। इसके अलावा महाराष्ट्र में कई ऐसे केस आए जहां संक्रमितों को ऑक्सीजन की कमी के कारण अपनी जान गंवानी पड़ी और आदित्य ठाकरे के अनुसार सरकार तीसरी लहर से लड़ने की तैयारी कर रही है। तो फिलहाल उसे अपने संसाधनों को दूसरी लहर की तबाही से राज्य को बचाने में लगाना चाहिए। महाराष्ट्र में सरकारी अस्पतालों की हालत कितनी खराब है यह किसी से छिपा नहीं है। महामारी की दूसरी लहर में पूरे राज्य में लोगों को अस्पतालों में बेड मिलना मुश्किल हो रहा है। महाराष्ट्र के एक ही परिवार के 3 लोगों को अस्पताल में बेड न मिलने पर अलग अलग जगहों पर भर्ती कराना पड़ा था। इसके चलते अंतिम समय में भी परिवार के लोग एक दूसरे को नहीं देख पाए। आदित्य ठाकरे के बयान पर आश्चर्य इसलिए भी होता है क्योंकि स्वयं उनके पिता और राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी थी और यह अनुरोध किया था कि केंद्र सरकार कोविड-19 को एक प्राकृतिक आपदा घोषित कर दे। प्रवासी मजदूरों के सवाल पर आदित्य ठाकरे ने कहा कि राज्य में प्रवासी मजदूर बेहतर स्थिति में है, जबकि सच तो यह है कि एक बार फिर से प्रवासी मजदूर राज्य छोड़ने को मजबूर हैं और राज्य में 15 दिनों का कर्फ्यू लगाए जाने के कारण मजदूर अपने घरों को लौटने के लिए मजबूर हैं। घर लौट रहे प्रवासी मजदूरों ने महाराष्ट्र पुलिस पर वसूली का आरोप भी लगाया है। यह बात भी सामने आ चुकी है कि मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बाहरी देशों से आए लोगों को 7 दिन के अनिवार्य क्वारंटाइन में रखने की बजाय उनसे 10-12 हजार रुपए लेकर उन्हें एयरपोर्ट से निकालने में मदद कर रहे हैं। ऐसे में यदि महाराष्ट्र के मंत्री आदित्य ठाकरे यह कह रहे हैं कि राज्य सरकार कोरोना वायरस की तीसरी लहर के लिए तैयारी कर रही है तो उन्हें इस पर सोचने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।